रात खत्म लड़का। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत करता हूँ मैं आपको मेरे नए यूट्यूब ब्लॉग पे। तो मेरे एक फ्रेंड आ रखा है, बचपन का दोस्त अभिषेक, जो बहुत पहले आया भी था। हाय बोल दे भाई। हाय बाय। तो आ रखा है ये क्योंकि इसका यहीं कुछ काम पड़ गया था। तो फिलहाल का सीन हमारे घर का ये है कि वहाँ का जो एक बेड था ना, हमारे मेन रूम का, वो यहाँ पे आ गया है। एक अंदर है, काम चल रहा है घर पे। जैसे कि कल आपने देखा था कि हमारे घर में एक खिड़की आया था, वो लगेगा। गेट भी आएगा, वो भी लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही बेड बचा हुआ है और एक बेड यहाँ पे आ गया है, जो मैंने दिखाया आपको यहाँ पे। ठीक है, तो काम चल रहा है अभी घर में, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। देखिए, थोड़ा बहुत रिनोवेट हो रहा है और यहाँ पे भी जो बताया था मैंने, यहाँ पे भी चेंज होगा। तो जो भी है, जैसे भी है, पूरा कम्प्लीट होने के बाद मैं दिखाऊंगा। ठीक है। एंड मम्मी गई है बाहर और अब आवाज आ रहा होगा आपको, टिंग टिंग टिंग। तो काम चल रहा है, तो मैं काम खत्म होने के बाद आपसे बात करता हूँ। ठीक है। तो हमारे यहाँ लाइट जा चुकी है बहुत पहले से। अपना आधार कार्ड दिखा रहे और बैठे हुए, तब से लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। घर का काम भी कम्प्लीट नहीं हुआ है, अभी ठोके रहे हैं। और ये घर जाऊंगा बोल रहे हैं अभी। सरकार यहाँ से लगभग आधे घंटे की दूरी पे है ना। यस मस्त। इसकी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रहा, अभी चला देख के आते बाइक में लगाओगे तो। और गाइस, मैं बता दूं कि इसकी चाबी बाइक पे लगी थी, जो कि ऑब्वियस था इसी पे होगा। लगभग एक दो घंटे से ढूंढ रहा है ये, इसको मिल गया। बस ये खाना खा के जाएगा। जबरदस्ती बोल रहा है कि मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि इसका पेट दुख रहा है, ऐसा बोल रहा था बहुत दिन से जब से आया है। जबरदस्ती की रहा है, जबरदस्ती ना आया, नाश्ता भी नहीं किया, इतने इतना कर रहा था। अभी थोड़ी देर बाद जाएगा खाना ना खा के, तो चाबी अपने हड़प ली। और दीदा को मैं सिखा देना ये वाला, जब भी देखो कैमरे को ऐसे कर देना। चीज चीज खाना खा ली, खावा भूख पाई जी। चलो भूख लग रहा है दीदा को, चलो खाने दो सबको। काम चल रहा है ना, लेट हो गया। और गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं, आज ना 7 सब्जी बनेगा हमारे घर में, क्योंकि आज कुछ पूजा है। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, पूछूंगा पीसी से, पूछूंगा पीसी बताई थी। तो हमारे घर बहुत सारे खाने बना है, दाल चावल तो मना ही बना है, करेली सब्जी, भाटा भुंजिया, आलू भुंजिया, भिंडी भुंजिया, पापड़ भाजी, 1 2 3 4 5 6 7 सब्जी। एक और सब्जी बना है, पापड़ सब्जी में नहीं आता, गोभी आलू की सब्जी बना है, लेकिन मैं गोभी आलू सब्जी नहीं खाता। तो जैसे ही आएगा मेरा भाई अभिषेक, फिर वैसे हम लोग टूट पड़ेंगे खाने पे। संक्रांत मतलब कि टाइम से खाना पड़ता है। हाँ, संक्रांत है आज, इस अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। वो पूजा है आज, हमें क्या बोलते हैं, संक्रांत, संक्रांति। ओके। मैं स्टेशन इसलिए गया था क्योंकि मेरे एक फ्रेंड जमशेदपुर से, मतलब कि और सामने से रायगढ़ उतरा था, रायगढ़ में जहाँ पे हम लोग कॉलेज करते हैं, मतलब जहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उसका एक बैग छूट गया था ट्रेन में, तो हमने ले आया उसको। मेरा रायगढ़ में खर्चा पड़ता है ना, तो पीछे पड़ रहा था, तो रूट में तो मैं उठा के ले आया। और अभी फिलहाल घर पे सब नहीं है, बाहर ही घूम रहे हैं सब, और सब यहीं पे घूम रहे हैं। दादी यहाँ पे हैं। कहाँ जा रहे हो? पैदल पैदल। दीदा ऐसे ही घूम रही है, मतलब यहाँ पे। और ये लोकेशन तो आपको याद ही होगा, हमारा पुराना रोड, मतलब हाँ पुराना नया जो बोल सकते हो। हम लोग बचपन में यहीं घुमा करते थे, जो अभी दोस्त आया था ना मेरा अभिषेक, हम लोग यहीं पे घुमा करते थे हमेशा बचपन में। मैं, अभय, अभिषेक और दो दोस्त थे, प्रिंस और कन्हैया, हम 5 पांडव, वो दे हीरो, 2-3 कॉलोनी के दोस्त लोग जा रहे हैं, तो बस वही चल रहा है। तो कल शायद मैं कॉलेज चले जाऊँ, शायद चल जाता हूँ यार, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा है, 21 को मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लेट गया था मैं, और अभी कॉलेज फ्रेंड्स लोगों को फ़ोन आया था कि कब आ रहा है भाई, आज आने वाला था, आज आया नहीं। मतलब ठीक है यार, कल आऊँगा, आज तो काम चल रहा था घर पे, आप तो भी पता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग इस रूम में घुसते थे है ना, तो हम लोग इसी रूम से निकलते थे, इसी गेट से निकलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बाहर जाने का रास्ता चेंज हो चुका है। इस रूम से घुसे, फिर यहाँ आपको बेड मिलेगा सिंगल, शायद एक और लग सकता है मे बी। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि गेट यहाँ से खुल गया, क्या बात है, ये तो मोटा है, पतला हो गया, समझ गए। और अभी आ रहा है शिव, कि मैं जाना था बाहर कुछ काम से,
दो तीन बुक वुक ले आऊँगा, बुक बोल रहा हूँ कॉपी ले आऊँगा, पेन वेन ले आऊँगा। एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा ना, जाते साथ ही पढ़ना पड़ेगा यार, कुछ पढ़ा भी नहीं हूँ। तो कल जाना है, उसको बोलूँगा, बाय रोड जाऊँगा सोच रहा हूँ मैं। तो देखते हैं जैसे भी जो भी सीन होगा वो आ रहा है, फिर बात करते हैं। तो कुछ देर पहले ही मैं घर आया, कॉपी लेने गया था, पेन लेने गया था, दावली लेके आया घर वालों के लिए। आपने देखा कि वो टेप से मेजर कर रहे थे हमारे बाहर के एरिया को, क्योंकि ना वहाँ टेंट वेंट लगने वाला है ना दीदी की शादी के लिए, तो इसलिए आए थे। 1 2 3 सिंगल बेड हो चुका है, वहाँ से गेट बन चुका है, तो यहाँ पे कोई एक ही सो पाएगा फिलहाल, और यहाँ से गेट फिर दूसरा गेट हो रहा। तो और मेरे कपड़े जो है निकल रहे हैं, क्योंकि कल मैं कॉलेज जाने वाला हूँ। क्या मैं कौन कौन से कपड़े ले जाऊँ, प्रेस करो नहीं नहीं। तो अभी देखते हैं कौन कौन से कपड़े ले जाएंगे, ज्यादा लेके नहीं जाएंगे क्योंकि बस एग्जाम देने जा रहे हैं। मैं पर्दा बिछा दी होगी इसमें, क्यों हाँ अब अच्छा दिख रहा है, पर वो लगा रॉयल्टी लग रहा है। हाँ तो फटाफट से पहले पैकिंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे का सीन। कल निकलना है, कितने निकलना है वो पापा बताएंगे। कुछ देर पहले ही लाइट आई है, दादी सो गई हैं, पता नहीं कैसे अभी बज रहे हैं क्योंकि 9:45 के आसपास, और हमारा भालू भी यहाँ सोया हुआ है कुछ इस स्टाइल में टेढ़ा करके। ठीक है, पापा यहाँ पे हैं और अभी तक पैकिंग हुई नहीं है, और दो बिल्ली यहाँ लड़ रही है, पैकिंग हमारी बची हुई है पूरी, पूरा बिखरा पड़ा है घर। आज काम हुआ ना घर पे, इसलिए अभी बज गए रात के 11:10, क्योंकि मैं आयरन भी कर रहा था ना, और दीदी लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं, आज सब यहाँ बैठे खाना खा रहे हैं, और आज सोने का भी प्लान थोड़ा चेंज हो रखा है, सारे आज खाना यहाँ बैठे खाना खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है दो दो बेड लगा हुआ है, और मैं बहुत बार दीदा नानी मुँह से निकल जाता है उसके लिए सॉरी। दादी हैं, दादी ठाकू माँ पापा की मम्मी, वो बीच में फ्रोम निकल जाता है ना, मेरे को नानी बोलने का बहुत ज़्यादा हैबिट था एक टाइम में ना, तो समझ रहे हो ना। तो दादी हैं, दादी पापा की मम्मी, तो ठाकू माँ, मैं ठाकू माँ बोलूँ क्या, जो भी है। अभी आयरन मेरा बचा हुआ है, मतलब कि मेरा पूरा भी बचा हुआ है, बेड बिखरा हुआ है, पूरा काम करना है उसके बाद, उससे पहले मैं खाना खा लेता हूँ। पहली बात तो मतलब मैं वापस से आऊँगा कॉलेज से, तब ये सब पूरा बनना हुआ दिखा जाएगा। सो गाइस, हॉस्टल की पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है, कल सुबह 12:00 के आसपास ट्रेन है, उसमें मैं निकल जाऊँगा, एंड पापा भी गए हैं, उनकी नाइट ड्यूटी लग गई है, नाइट ड्यूटी बोलते हैं ना, नाइट ड्यूटी लग गई है, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया पापा जा रहे थे, तो नाइट ड्यूटी करने जा रहे हैं। पापा कभी लेके आता है यार, रेलवे जॉब है ना, तो कभी बुलाना पड़ता है, कभी बुलाते हैं तो कभी भी जाना पड़ता है। फिलहाल गाइस यही सीन था, और कल जा रहा हूँ मैं, बता दिया मैंने, तो देखते हैं दो दिन सामान छूटे बस मत, बस वही देख रहा था मैं। एंड अभी बज रहे हैं रात के 12 बजने वाले, नहीं 12:05 हो गए। फिलहाल गाइस मैं जल्दी सो जाता हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, और कुछ सामान छूटा है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, और दो तीन सामान और है जो कल मार्केट से लेके आने मेरे को है ना। तो फिलहाल गाइस मैं करता हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड, अगर व्लॉग सच में अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी आपसे अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा।